क्लासमेट भाई सूरज गुप्ता मैंने आप लोगों को 28 दिसंबर तक प्रत्येक दिन करंट अफेयर को करवाया था अब मैं आप लोगों के लिए वीकली करंट अफेयर लेकर आया हूं जिसमें एक सप्ताह का टोटल जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो आज का जो करेंट अफेयर होगा वो एक सप्ताह का होगा उनतीस दिसंबर से चार जनवरी के अंदर जितने भी करंट अफेयर हैं वो सारे मैं इस वीडियो में इस सेशन में करवाने जा रहा हूँ ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन बोल रहा है इंडिया हैज़ साइंड एंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ विच कंट्री फॉर मोबिलिटी एंड माइग्रेशन भारत ने गतिशीलता और प्रवासन के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षार किया है आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इटली और भी कुछ नए नए यहाँ पर समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं वो हम लोग देख लेते हैं पहला है इंडिया और रशिया के बीच में फ्यूचर पावर जनरेटिंग यूनिट्स ऑफ कंडन कोलम न्यूक्लियर प्लांट इन तमिलनाडु दूसरा जो समझौता हुआ है वो है इंडिया प्रोवाइड्स 250 मिलियन डॉलर लाइन ऑफ क्रेडिट टू केनिया फॉर एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए भारत ने 250 मिलियन का उधार किसे दिया है केनिया का ये मतलब ये वाला मैंने आपको पिछले वीडियो में भी पढ़ा दिया था फिर भी मैं यहाँ पर रिपीट करवा दे रहा हूँ नेक्स्ट भारत और अमेरिका के बीच में समझौता हुआ है क्या हुआ है कनेक्ट डायनेमिक स्टार्टअप इकोसिस्टम के ऊपर इसके अलावा भारत संयुक्त अरब इमिरेट्स के बीच में क्या समझौता हुआ है स्ट्रेंथ एजुकेशनल टाइज के ऊपर में हुआ है इसके बाद इंडिया और तंजानिया के बीच में पांच साल के लिए रोड मैप और डिफेंस कॉपरेशन का समझौता हुआ है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने न्यूजीलैंड के किस शहर में भारतीय का महावाणिज्यिक दूतावास खोलने के प्रयास को मंजूरी दे दी है ऑप्शन होगा डी ऑकलैंड चलिए न्यूजीलैंड के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कैपिटल होगा वैलिंगटन करेंसी होगा डॉलर प्राइम मिनिस्टर होंगे क्रिस्टोफर लगसन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होंगे कार्मेल शिपोलोनी नेक्स्ट क्वेश्चन केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2024 सीजन के लिए कोपरा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस को मंजूरी दे दी है मिलिंग कोपरा की उचित औसत गुणवत्ता के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस 2024 सीजन के लिए कितना तय किया गया है ऑप्शन होगा ए ग्यारह हज़ार एक सौ साठ पर क्विंटल ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भारत ने प्रसारण समाचार आदान प्रदान और हस्त कार्यक्रम के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है ऑप्शन होगा ए मलेशिया चलिए मलेशिया के बारे में थोड़ा कुछ जानकारी ले, ले लेते हैं पहला जो होगा कैपिटल कोला करेंसी रिंगिट प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट हिंदू वीमन फॉर इलेक्शन इन खैबर पख्तुकुआ बुनर डिस्ट्रिक्ट इन जनरल इलेक्शन ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान के आम चुनाव में खैबर पख्तूनख्वा के बुनेर जिले से चुनाव लड़ने वाली पहली हिंदू महिला का नाम क्या है ऑप्शन होगा ए शबेरा प्रकाश की पॉइंट कुछ देख लेते हैं क्या है की पॉइंट पीपीपी नॉमिनेटेड फर्स्ट हिंदू वेमेन फॉर इलेक्शन इन खैबर पख्तूनख्वा ठीक है पीपीपी का यहां फुल फॉर्म क्या होगा मैं यहां लिख दे रहा हूं पाकिस्तान पार्टी ठीक है नेक्स्ट डिसीजन कम फॉलोइंग द पाकिस्तान इलेक्ट्रल बोल रहा है यहां पर कम से कम पांच परसेंट सीट जो है जनरल इलेक्शन के लिए महिलाओं के लिए रिजर्व रखा गया है इनके पिताजी भी डॉक्टर थे अभी रिटायर्ड कर चुके हैं लेकिन ये एक एक्टिव एक मेंबर है तीन डिकेट्स के लिए एक्टिव मेंबर थे किसके पाकिस्तान पीपल पार्टी के ठीक है, है, है बोला सवेरा हैज़ आल्सो सर्विंग द पीपीपी वुमेन्स विंग जनरल सेक्रेटरी इन बोने डिस्ट्रिक्ट चलिए अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है बोला विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टेबलाइज एंड ऑटोनस बोर्ड टू रिक्रूट इफिशियंट एंड स्किल कैंडिडेट फॉर पब्लिक सेक्टर यूनिट पी एच यू थ्रू ट्रांसपेरेंट सेलेक्शन प्रोसेस आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केरला केरला के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कैपिटल होगा तिरुवनतमपुरम चीफ मिनिस्टर पी विजयन पूरा नाम पिनारा विजयन गवर्नर होंगे आरिफ मोहम्मद नेक्स्ट क्वेश्चन इन इवेंट एम्बेसडर फॉर नाइनटीन्थ एडिशन ऑफ द टाटा मुंबई मैराथन ऑप्शन होगा ए कैटीमोन अब हाल फिलहाल में जितने भी नए नए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं उसके बारे में हम लोग थोड़े बात कर लेते हैं पहला होगा ऋषभ पंत जिन्हें आयोडेक्स जेल अल्ट्रा जेल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है उसके बाद दीपिका को बिस्लेरी के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है याद रखिएगा ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते कार्तिक आर्यन को ब्रांड एम्बेसडर फॉर फुटबॉल बाय सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क नेक्स्ट अमृता रायचंद को हेल्थ एम्बेसडर फॉर सैलम मुंबई फाउंडेशन सौरभ गांगली को त्रिपुरा टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसिडर नियुक्त किया गया है तो ये हैं कुछ नए ब्रांड बिजनेस जिन्हें हाल फिलहाल में नियुक्त किया गया है। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर अगला क्वेश्चन जो है वो बोला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज गिवन इट्स नोट फॉर रिजर्व मर्जर ऑफ आईडीएफसी लिमिटेड विद इट्स बैंकिंग सब्सिडरी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इन विच ईयर आईडीएफसी बैंक वाज फाउंडेड कौन से साल में आई बैंक का खोज किया गया था फाउंडेड किया गया था ऑप्शन नंबर बी 2015 चलिए आई बैंक के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा जानकारी अक्टूबर 2015 में फाउंडेड किया गया था हेड क्वार्टर अगर आपसे पूछे तो मुंबई बोलिएगा एम डी एन सी मतलब होता है मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वी वैद्यनाथन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर महादेवना बालाकृष्णन नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यूएन सेक्रेटरी जनरल याद रखिएगा यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरिस हैज अपॉइंटेड सिगरेट काग एज ए सीनियर ह्यूमटेरियन एंड रिकंस्ट्रक्शन कोऑर्डिनेटर फॉर गाजा तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है सी इज फ्रॉम विच कंट्री वह कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं वो है नीदरलैंड चलिए अब यूनाइटेड नेशन के बारे में थोड़ा कुछ जानकारी हम लोग प्राप्त कर लेते हैं यूनाइटेड नेशन कब खोजा गया था स्टेबलाइज्ड कब किया गया था 24 अक्टूबर 1945 ये डेट याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछे तो बोलिएगा न्यूयॉर्क ऑफिशियल लैंग्वेज अरेबिक चाइनीज इंग्लिश फ्रेंच रशियन एंड स्पेनिश ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं अभी टोटल जो मेंबर है है ठीक है फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ट्राइब हाल लाई जो कि नॉर्वे के रहने वाले थे और नोवा सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस जो कि पुर्तगाल के हैं ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन भारतीय जीवन विवाह निगम के नए मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है ऑप्शन होगा बी एस सुंदर कृष्णन अभी हाल फिलहाल में बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में और भी नए नए अपॉइंटमेंट हुए हैं उसे थोड़ा देख लेते हैं हम लोग पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक सी एस राजन जिन्होंने प्रकाश आप्टे को रिप्लेस किया है इंटेरिम एमडी एंड सीईओ ऑफ नॉर्थ ईस्ट एस एफ बी एम डी एन सी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सतीश कुमार कलरा चेयरमैन ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बी एस सी प्रमोद अग्रवाल जिन्होंने एस एस मुंद्रा को रिप्लेस किया है पहले एस एस मुंद्रा थे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ई डी ऑफ आई सी आई सी आई बैंक संदीप बात्रा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंडीफाई टेक्नोलॉजीज संग्राम सिंह नेक्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया हैज इमर्ज एज इंडिया स्पेक्ट्रो कैपिटल ऑप्शन नंबर बी गुजरात गुजरात की कैपिटल गांधीनगर चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र राजनीकांत पटेल गवर्नर आचार्य देवव्रत बार क्वेश्चन भारत और किस देश ने आर्थिक सहयोग ऊर्जा व्यापार कनेक्टिविटी सैन्य तकनीकी सहयोग और लोग से लोग के आदान प्रदान प्रगति के लिए अगले चार साल के लिए इन्होंने क्या किया है समझौते पर हस्ताक्षर किया हुआ है तो वो कौन सा देश है वो है रशिया ऑप्शन नंबर बी चलिए कुछ रशिया के बारे में पढ़ लेते हैं कैपिटल मॉस्को करेंसी रूबल प्रेसिडेंट व्लादिमिर पुतिन ये आप सभी को जानते हैं क्वेश्चन नंबर तेरह आपके स्क्रीन पर दिसंबर 2023 में केंद्रीय मंत्री आर के सिन्हा ने किस शहर में पावर ग्रिड विश्राम सदन का उद्घाटन किया है ऑप्शन है ए बेंगलुरु नेक्स्ट क्वेश्चन विच आई आई टी हेज विद गवर्नमेंट ऑफ असम फ्लैगशिप आरोहन स्कीम टू मोटिवेट मेरिटेरियस स्टूडेंट टू परस्यू स्टेम सब्जेक्ट इन देयर हायर एजुकेशन ठीक है बोल रहा है किस आई आई टी ने मेधावी छात्रों को अपने उच्च शिक्षा में स्टेम विषय को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने के लिए असम सरकार की प्रमुख आरोहण योजना के साथ सहयोग किया है वो होगा आईआईटी आई गुवाहाटी अब बहुत सारे आईआईटी जो है वो न्यूज़ में है उसके बारे में थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं पहला इंडियन ने भी जो है वो समझौते पर हस्ताक्षर किया है किसके साथ आईआईटी कानपुर के साथ IIT, क्या करने के लिए टू प्रमोट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इंडियन नेवी ने किसके साथ किया है समझौता आईआईटी कानपुर के साथ किस क्षेत्र में टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के क्षेत्र में ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी कंपनी कैस्पर स्काई एंड आईआईटी दिल्ली के बीच में समझौते हुए हैं एग्रीमेंट हुए हैं ये दोनों क्या करेंगे जॉइंटली वर्क ऑन साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड रिसर्च एंड एजुकेशनल इनिशिएटिव्स एट इंस्टीट्यूट Airbus tie up with IIT Kanpur to promote aerospace education IIT Guwahati ने Indian Council of World Affairs to build capacity skill in international affairs and foreign policy ठीक है चलिए ये रहे कुछ IIT जो कि अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में बने हुए थे अगला क्वेश्चन Reliance Jio Infocom has joined hands with Which IIT to launch Bharat GPT? Option number C IIT Bombay. President Draupadi Murmu will be the chief guest at the celebration of Kirby Youth Festival in which state on 17th January 2024. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सत्रह जनवरी 2024 को किस राज्य के कर्वी युवा महोत्सव के समारोह में मुख्य अतिथि रहेंगी ऑप्शन नंबर सी असम। चलिए असम के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं असम का कैपिटल दिसपुर होगा चीफ मिनिस्टर हेमंत विश्व शर्मा गवर्नर गुलाबचंद कटरिया अगला क्वेश्चन आपूर्ति श्रृंखला डिकार्बनाइजेशन के लिए किस कंपनी ने अदानी टोटल गैस लिमिटेड के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है ऑप्शन होगा बी फ्लिपकार्ट ठीक है अगला क्वेश्चन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अकॉर्ड अप्रूवल टू आई सी आई सी आई पोडेंशियल एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड फॉर एक्वायरिंग अप टू हाउ मच परसेंट स्टेक इन फेडरल आर बी एल बैंक कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक ने आईसीआईसीआई सी एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड को फेडरल आर बैंक में कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दे दी है ऑप्शन होगा सी नाइन पॉइंट नाइन फाइव परसेंट ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन बीन अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एज द फर्स्ट वीमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जिसे सी आई एस एफ कहा जाता है ऑप्शन होगा डी नीना सिंह अब हाल फिलहाल में डिफेंस सेक्टर में बहुत नए नए अपॉइंटमेंट हुए हैं उसे हम लोग पढ़ लेते हैं वाइस चीफ ऑफ नवल स्टाफ वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी चीफ ऑफ स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एस पी जी आलोक शर्मा कमांड ऑफ ईस्टर्न फ्लीट रियर एडमिरल राजेश धनखड़ डिप्टी चीफ ऑफ नोवल स्टाफ वाइस एडमिरल तरुण सोप्ती जिन्होंने संजय महेंद्रो को रिप्लेस किया है इंटेरियम डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टर ईडी राहुल नवीन जिन्होंने संजय कुमार मिश्रा को रिप्लेस किया अगला क्वेश्चन एच डी एफ सी बैंक बोर्ड हैज रिकमेंडेड टू आर बी आई द रीअपॉइंटमेंट ऑफ अतानु चक्रवर्ती एज अ पार्ट टाइम नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन इन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फॉर हाउ मेनी ईयर्स कितने सालों के लिए इन्हें नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त किया गया है ऑप्शन नंबर सी तीन साल के लिए अब हम लोग एच डी एफ सी बैंक के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं फाउंडेड अगस्त उन्नीस सौ चौरानबे फाउंडर हसमुख भाई पारेख हेड मुंबई महाराष्ट्र मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सी ई शिधर जगदीशन चेयरमैन अतानु चक्रवर्ती जो कि मैंने आपको अभी पढ़ा दिया है टैक लाइन क्या है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड ये सारे के सारे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं नेक्स्ट वेन इज वर्ल्ड ब्रेली डे ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑप्शन नंबर सी चार जनवरी थीम क्या होगा इंपावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी एडोरा मैजिक सिटी इज द फर्स्ट होम ग्राउंड क्रूज शिप ऑफ विच कंट्री ऑप्शन नंबर बी चाइना यह है वो शिप ठीक है वट वॉज द प्राइमरी फील्ड ऑफ वेद प्रकाश नंदा वो पासडे रिसेंटली इनका था लिटरेचर एंड एजुकेशन साहित्यिक और शिक्षा अगला क्वेश्चन मोहम्मद यूनुस हु रिसीव नोबल प्राइज इन टू थाउजेंड सिक्स फॉर पाइनरिंग माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग वाज रिसेंटली मेकिंग न्यूज बिलोंगिंग टू विच कंट्री मोहम्मद यूनुस जिन्हें माइक्रो फाइनेंसिय बैंक में अग्रगणीय भूमिका निभाने के लिए दो हजार छः में नोबल शांति पुरस्कार मिला था और हाल ही में चर्चा में थे वो किस देश से हैं तो है वो बांग्लादेश चलिए नोबल पुरस्कार के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कैटेगरी नोबल प्राइज़ फर्स्ट अवॉर्डेड दस दिसंबर उन्नीस सौ एक स्टेबलाइज अठारह सौ पंचानवे करेंटली हेल्ड बाई नारगिस मोहम्मदी दो हज़ार तेईस लोकेशन ओशलो नॉर्वे लोकेशन आपसे सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा और आपका स्टेबलाइज पूछा जाता है ठीक है अगला क्वेश्चन वट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट कैमो ड्रग अवेलेबल एज अर फॉर्म इन इंडिया ऑप्शन नंबर बी फ्रिवाल Agla question Which country has recently filed a case against Israel at the International Court of Justice accusing its genocide? Oh, option number D South Africa. Capital Cape Town President Cyril Ramaphosa. Agla question The Kharshawan massacre that was recently in news happened in which current state? Option number D. झारखंड रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमीशन हाल ही में सोलह वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है ऑप्शन है सी अरविंद फाइनेंस कमीशन के बारे में पढ़ लें फॉर्म 22 नवंबर उन्नीस सौ इक्यावन हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली जूर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगला क्वेश्चन ज बिन रिसली अपॉइंटेड एज ए न्यू चीफ ऑफ मेटेरियल ऑफ इंडियन नेवी ऑप्शन होगा बी वाइस एडमिरल किरण देशमुख ये इन्हें देख रहे हैं न यही और इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन रिसेंटली विच ऑशियनोग्राफी रिसर्च वेसल ऑफ द इंडियन नेवी है सागर मैत्री मिशन फोर टू एम हाल ही में भारतीय नौसेना का कौन सा समुद्री विज्ञान अनुसंसाधन पोत ओमान के लिए सागर मैत्री मिशन चार पर रवाना हुआ है ऑप्शन नंबर सी आई सागर ध्वनि तो ये रहा आपके 29 दिसंबर से लेकर 4 जनवरी पूरे एक सप्ताह का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर उसके साथ साथ और भी कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा मैं फिर आऊँगा नेक्स्ट वीक आप लोगों के लिए इसी तरह आपके बहुत सारे क्वेश्चन के साथ जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है ठीक है चलिए धन्यवाद